हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज की रेमेडी की बात करें तो मैं जो रेमेडी लेकर के आई हूँ वो बालों को काला करने के लिए है। असमय सफ़ेद हुए बालों के लिए है, वो आपके बाल इससे बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बीट रूट ले लिया है, इसको मैं कद्दूकस कर लूँगी। मीडियम एवरेज ही है ये बीट रूट, ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, और इसको कद्दूकस कर लेंगे। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये हमारी स्किन पे बहुत वर्क करता है और हेयर पे भी। इसके साथ मैं एक आंवला लूँगी, आप चाहें तो दो तीन आंवले ले सकते हैं, लेकिन मैं एक ही आंवला ले रही हूँ। इन दोनों को करने के बाद में घिसने के बाद घिस लेंगे। और आंवला भी हमारे सफ़ेद बालों पर बहुत वर्क करता है, जो असमय सफ़ेद हो रहे होते हैं उस पर भी बहुत वर्क करता है। तो इसके बाद मैंने यहाँ लोहे की कढ़ाई ली है और इसमें मैंने 1.5 चम्मच हल्दी डाल दिया है। हल्दी मतलब अच्छे से भून लेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक ये काली नहीं हो जाती है। और बहुत तेज़ आंच पर इसे नहीं भूनना है, इसे गैस को सिम पे रख के ही भूनना है। भूनते भूनते जब ये आधी भून जाएगी, ग्रे कलर हो जाएगी, तब इसमें हम 1 चम्मच कलौंजी डालेंगे। ये देखिए, 1 चम्मच कलौंजी पाउडर, कलौंजी आप पाउडर भी डाल सकते हैं और खड़ी कलौंजी भी डाल सकते हैं, जिसे मंगरेल कहा जाता है। और 2 चम्मच चाय पत्ती डालेंगे। चाय पत्ती डालने के बाद इसे फिर से भूनेंगे। अब इसे इतना ज़्यादा भूनना है कि बिल्कुल ब्लैक कलर हो जाना चाहिए, बिल्कुल राख की तरह हो जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग यही बीट रूट और जो आंवला रखा था हमने वो डाल देंगे। वो डालने के बाद अच्छे से भूनेंगे। ऐसा लगना चाहिए कि जो आंवले का जूस है और जो बीट रूट का जूस है वो पूरी तरह से उस हल्दी में अब्सॉर्ब हो गया है। फिर डालेंगे पानी। तो पानी इतना डालना है कि जिस जैसे आपको तैयार करना हो, जैसे मैं 2 दिन का डाई बना रही हूँ, 2 दिन लगाने के लिए, अगर मैं 1.5 ग्लास पानी डाली हूँ और आप इसमें 1 ग्लास पानी डाल सकते हैं अगर आप 1 दिन के लिए बना रहे हैं। तो मैंने बड़े ग्लास से 1.5 ग्लास पानी डाला क्योंकि मुझे 2 दिन का बनाना है। तो आप इसका हाफ अमाउंट रख सकते हैं। ये बहुत अच्छे से बॉयल हो रहा है और पक रहा है, इसे खूब अच्छी तरह से पकने देंगे। पकते पकते जब ये पानी आधा रह जाएगा तब इसके बाद इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाएगा तो इसे छान लेंगे अच्छे से। एक छोटा सा टोप लिया है मैंने, मैंने उसको इसमें इस पानी को छान लिया है ये पूरा। और ये जो वेस्ट निकला हुआ है इसे आप फेंकेंगे नहीं, इसको आप मैं बताऊंगी बाद में किसे क्या करना है। इसमें भी बहुत अच्छे इसका हेयर पैक बन सकता है। तो इसे अच्छे से छान लेंगे। ये हमारे बालों को बहुत अच्छा कलर देता है। इसमें काफ़ी लोग डर जाते हैं कि बीट रूट लाल कर देगा बालों को, बिल्कुल नहीं, बीट रूट लाल नहीं करता है, बहुत ही अच्छा सा साइन देता है और बालों में नेचुरल वाला कलर लेकर के आता है। तो जो इसका वेस्ट निकला हुआ है वो साइड में रख देंगे हम। और पहले सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच भृंगराज पाउडर। इसकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि 1 चम्मच डालना है 1.5 चम्मच, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जितना और जूस बना हुआ है उस हिसाब से। उसके बाद में 2 चम्मच भर भर के मैं इसमें मेहंदी पाउडर डालूँगी। ऑर्गेनिक मेहंदी आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं और अपने लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं। अब इसे मैं अच्छे से फेटूंगी। उसके बाद फिर से मैं वही लोहे की कढ़ाई में इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी क्योंकि मैं इसे रात भर भिगो के रखने वाली हूँ। तो मैंने 1 चम्मच हिना और डाला है मेहंदी इसके अंदर और इसे अच्छे से धीरे 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 मेल्ट करना है। और ये पूरी तरह से इतना इसे फेटेंगे, इतने फेटेंगे कि इसके अंदर की प्रॉपर्टी इन्हेंस हो जाएगी और ये पूरा एकदम एक लिक्विड टाइप का। और मैं इसे बहुत ढीला बना रही हूँ, इसे ठीक नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं इसको बाद में जब मैं अप्लाई करूँगी अपने बालों पर तब मैं आपको बताऊँगी कि क्यों मैं इसे इतना ढीला, बिल्कुल टाइट पेस्ट नहीं बनाया, मैंने नॉर्मल सा ही बनाया है। आपको बहुत गीला गीला सा लग रहा होगा। मैं चाहूँ तो इसमें और 2 चम्मच ऐड कर सकती हूँ, 1 चम्मच भृंगराज पाउडर और 1 चम्मच मेहंदी, लेकिन नहीं, मेरे बालों के हिसाब से इसे ओवरनाइट में भिगा के रखूँगी और उसके बाद सुबह मैं आपको इसका दिखाऊँगी। और इसे फेटते फेटते अब इसमें की जो गुठलियाँ थी सब अच्छे से मेल्ट हो गई हैं और मैं इसे खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के उस कढ़ाई के अंदर खूब मैं रगड़ रही हूँ। रगड़ के ही मैं चारों तरफ से इसका आयरन का पूरा छुड़ा छुड़ा के इसी हिसाब से अब इसके अंदर बहुत देर तक फेंटने के बाद में 2-4 मिनट ये जो है इस तरीके का हो गया है सुबह के टाइम। और इसे अब मैं अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई आप अच्छे से एक कोई भी गंदा सा टी शर्ट पहन लीजिए घर का क्योंकि ये लिक्विड बहता है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा थिक पेस्ट बना सकते हैं पर मैंने इसे पतला पेस्ट बनाया है ताकि मेरे बालों पे, मेरे स्कैल्प पे अच्छे से जाए।
जब थोड़ा भी गाढ़ा पेश होता है ना तो वो बालों में ही रह जाता है, जड़ों में नहीं जाता। ये डाई हमको जड़ों में लगानी है क्योंकि इसमें बहुत सारी हेल्दी चीज़ हैं, आपके स्कैल्प पे भी काम करती हैं। तो ये देखिए, ऐसे मांग निकालते जाना है और डाई को लगाते जाना है, और जितना पतला रहेगा उतना ही बेनिफिट है इसका, क्योंकि ये जड़ों पे काम करता है और तो जड़ों तक ये पहुँचना चाहिए। कभी कभी मेहंदी की थिक पेस्ट जो होती है ना वो ऊपर के लेयर पे रह जाती है और नीचे स्कैल्प सफ़ेद ही दिखता रहता है। कई जगह आप कोई मेहंदी लगाया उसका ज़रा सा स्कैल्प, ज़रा सा बाल हटा के देखिए तो नीचे स्कैल्प गूदा जो है हमारे सर का वो वाइट ही रहता है और ऊपर मेहंदी लगी रहती है। ऐसा नहीं, इसे मुझे स्कैल्प पे भी लगाना है पूरा, इसलिए। तो अब मैं बात करती हूँ कि ये हमारे बालों पे वर्क कैसे करेगा, फ़ायदे क्या क्या हैं इसके, तो आइए जानते हैं। इसमें हमने बीटरूट का यूज़ किया सबसे पहले, तो उसमें मौजूद एंटी इन्फ्लोमेटरी और एंजाइमेटिक गुण बालों को झड़ने से रोकते हैं, डैंड्रफ की परेशानी को ख़त्म कर देते हैं। और चुकंदर के रस में अगर आप एक चम्मच विनेगर मिला के लगा लेते हैं ना तो आपके स्कैल्प पे डैंड्रफ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो चुकंदर हमें खाने में अंदर से हेल्दी करता है और अप्लाई करते हैं बालों को तो बालों में भी उतना ही हेल्दी काम करता है ये। इसके बाद हमने यूज़ किया आंवला का। तो आंवला का यूज़ हम क्यों करते हैं, सफ़ेद बालों के लिए आंवला, अगर बहुत तेज़ी से सफ़ेद बाल हो रहे हैं आपके, चाहे आपकी उम्र हो गई है तो, नहीं उम्र हुई है तो, ये बहुत कारगर उपाय है जो बालों को काला करता है तेज़ी से। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आंवला क्यों एक कारगर आयुर्वेदिक उपाय के रूप में देखा जाता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आज से ही नहीं सदियों से बालों के लिए यूज़ किया जाता है, बालों को काला करने के लिए। इसके बाद हमने इसमें यूज़ किया मेहंदी। मेहंदी डैंड्रफ रूसी की समस्या, स्कैल्प से जुड़ी सब परेशानियों को मेहंदी ख़त्म करती है, बालों का रंग बढ़ाती है और ऑक्सीडेंटिव तनाव कम करती है, बालों की कंडीशनिंग करती है, स्कैल्प का पीएच संतुलित करती है, बालों का झड़ना कम करती है, हेयर ग्रोथ के लिए मेहंदी बहुत कारगर है और बालों को स्वस्थ करती है, बालों की डॉक्टर है मेहंदी। तो मैंने इसे अप्लाई कर लिया, अब इसके बाद 2 घंटे मैंने रखा है और आप देख सकते हैं पूरी तरह से सूख चुका है। आप देख रहे होंगे मेरे चेहरे पर जगह जगह बह गया है ये, तो ये मेरे स्कैल्प पे कितना अच्छा काम किया हो गया होगा। और ये मैं बाल धुल के आ गई हूँ, बालों में शाइन आ चुकी है, बाल काफ़ी हेल्दी लग रहे हैं, चमक रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से आप इसे लगाइए और बहुत ही कारगर उपाय है ये। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अभी बहुत छोटा सा ही चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी बहुत जल्दी एक अच्छी सी कारगर वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए। तो बाय बाय, बहुत सारा प्यार आप लोग।